दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी पेनफुल क्यों ना हो, फिर भी प्रेग्नेंट एक्ट्रेसेस अपनी बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही चूज करती हैं। दोस्तों, माँ बनना एक औरत के लिए बहुत खुशी का वक्त होता है। टेलीविजन की कई एक्ट्रेसेस ऐसी ही है जो बहुत जल्द माँ बनने वाली है और उन्होंने अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को ही चूज किया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी टेलीविजन एक्ट्रेस है जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी को ही चूज किया है और वो 2023 में माँ बनने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1, गौहर खान। दोस्तों, टेलीविजन एक्ट्रेस के साथ साथ बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान 2 साल पहले चैतरबा से शादी की थी और शादी के 2 साल बाद एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की थी। गौहर सोशल मीडिया में काफी एक्टिव भी रहती है और अपनी प्रेगनेंसी की हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती है और उन्होंने अपना बेबी को डिलीवर करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को ही चूज किया है और इसलिए वो रेगुलरली योगा और एक्सरसाइज करती नजर आती रहती हैं। वहीं नंबर 2 पर है दीपिका कक्कर। टेलीविजन की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका कक्कर ने साल 2018 में शोएब इब्राहिम से शादी रचाई थी और इस कपल को इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल कपल माना जाता है। ये कपल जल्द ही पेरेंट्स बनने जा रहे हैं और उन्होंने ये गुड न्यूज खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की थी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दीपिका कक्कर को ट्विंस बेबी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सब के चलते दीपिका ने भी नॉर्मल डिलीवरी को ही चुना है और इसलिए वो डॉक्टर की हर एक एडवाइस को बहुत अच्छे तरीके से मानती भी हैं। नंबर 3 पर है नेहा मर्दा। दोस्तों, बालिका वधू से अपनी पहचान बनाने वाली नेहा ने 2012 में बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी की थी और शादी के 10 साल बाद वो अपने फर्स्ट बेबी को जन्म देने वाली है। वहीं इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की थी। दरअसल नेहा ने कुछ वक्त पहले एक कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें वो अपने पति के साथ अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी। इस रेड ड्रेस में नेहा बेहद सुंदर लग रही थी और उनका प्रेगनेंसी ग्लो भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वहीं नेहा ने भी अपनी डिलीवरी को लिए नॉर्मल डिलीवरी ही चूज की है। वेल, आप बताएं, आपको इन एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और ऐसे ही चटपटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।